तो यार एक और नया दिन, एक और नई गाड़ी। आज जो हमारे सामने खड़ी है ना भाई, पोलो इतनी फेमस है अपने इंडिया में कि भैया मतलब ड्राइव क्वालिटी के मामले में बात कर लो, बिल्ड क्वालिटी कर लो, सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। इस गाड़ी के ओनर से पूछ के कितने साल हो गए हैं, एवरेज क्या देती है, चलाने में कैसी है। तो इस गाड़ी के ओनर है, कैसे हो क्या भाई? हाल है? गोभी खोद देंगे, क्या हाल है ब्रो? बढ़िया जी बढ़िया। इंट्रोडक्शन दे दो एक पहले। तो गाइज, मेरा नाम है सौरभ और ये ली थी मैंने 2019 में, और मेरे चैनल का नाम है SRV व्लॉग्स, और फेमस डायलॉग है गोभी खोद देंगे, सबको पता है। तो गाइज, पोलो का क्या ही कहें, इसका एक्सीडेंट हुआ था, भाई ने शायद वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी, बट एक समस्या, माइलेज। तो अच्छा भाई से चलवाऊंगा मैं गाड़ी, भाई खुद ही जज करेगा, भाई मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक भाई है। से ही चलवाएंगे आज। तो आज गाड़ी के पूरे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब कुछ बताएंगे, प्लस एक्सीडेंट की भी स्टोरी थोड़ी डिटेल में पूछेंगे भाई से, साथ ही साथ फुटेजेस भी ले लेंगे हाँ, आपको मैं दिखाने फुटेज के लिए। शेयर कर दूंगा। सबसे पहले कौन सा वेरिएंट है भाई ये? भाई ये है बेस मॉडल, ट्रेंड ट्रेंड लाइन। लाइन हाँ, ट्रेंड लाइन। पेट्रोल है, डीजल है? पेट्रोल है। तो मतलब 1000 CC का इंजन मिलता है हाँ, इसमें? एक हजार सीसी का ठीक इंजन है है जी। इसमें। कब ली थी आपने ये? ये 2019 में ली थी मई में, आज ही 2 साल कंप्लीट हुए हैं, आज के दिन ही। दो मतलब नहीं तीन हो गए ना? हाँ, तीन हो तीन गए, सॉरी 3 साल कंप्लीट हो गए। साल देख मतलब रहे हो, पैसा इतना भाई को पता भी नहीं, दो अरे साल हो नहीं गए, तीन भाई, साल हो गए। बस यार हाँ। थोड़ा बहुत कमा लेते हैं भाई की तरह भी, सोच अच्छा रहे ये आगे कमाने यूट्यूबर का। हो, ये यूट्यूब की अर्निंग से ली थी अपनी? हाँ भाई, ये यूट्यूब की अर्निंग से ली थी, ठीक इसलिए ये है, इससे थोड़ा अलग प्यार है भाई। अटैचमेंट है। फर्स्ट कार आपकी अपनी खुद की होगी फर्स्ट ना? कार यही थी यूट्यूब से, बाकी तो और गाड़ियाँ खड़ी हैं घर में वैसे। इससे पहले भाई भाई कौन सी की। चलाते थे आप? इससे पहले तो यार अपने पास थी फोर्ड फिएस्टा, अच्छा। वो तो हाथी का बच्चा था भाई, उसकी 7-8 की माइलेज थी, लेकिन उसकी बॉडी अलग ही थी भाई, नेक्स्ट लेवल, इससे भी एक लेवल ऊपर की बॉडी थी उसकी फोर्ड की। अच्छा जी। और एक फीगो भी थी, फीगो ठुक गई थी, वो हाँ भी खड़ी है घर में, बट वो आसपास जाने लायक खड़ी है। ठीक है। अच्छा ये कितने की पड़ी थी ऑन रोड अपन को? भाई ये पड़ गई थी 7,20,000 की, बेस वेरिएंट था। हाँ, बेस वेरिएंट। बट ये लग नहीं रही बेस वेरिएंट, क्योंकि इसमें कुछ काम हुए पड़े हैं बाहर से भी अंदर से, वो भी हाँ, सब मैंने डिटेल में बात करेंगे। पहले ये बताओ, जब गाड़ी लेने जा रहे थे उस टाइम पे बजट कितना लेकर चल रहे थे आप? भाई बजट यार मैं सही बताऊँ, मैं चाह रहा था सेकंड हैंड ले लूँ, मैं वो ले लूँ टिगवान या ये सब, अच्छा, बट वो उस टाइम रिलीज नहीं हुई थी। हाँ। तो फिर मेरे को मेरे भाई ने बोला, फिर मैंने सोचा यार i20 ले लूँ, बीच का मॉडल, बट उसने कहा अगर तेरे को लेनी है ना पोलो ले ले, आँख बंद करके, थोड़ी माइलेज कम देगी और मेंटेनेंस ज़्यादा होगी, बाकी इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। और सच में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी मेंटेनेंस ज़्यादा है, सर्विस साल में एक बार होती है 15,000 रुपये, वो होती है 20-22,000 रुपये की सर्विस। बीस हो बाईस जाती है हजार रुपये हाँ भाई साहब, दो चार पार्ट चेंज हुए तो भाई तो और बढ़ जाते हैं। हाँ। इसकी पिछली सर्विस हुई थी आई थिंक 18,000 रुपये की हुई थी, उसमें वाइपर ब्लेड चेंज नहीं हुए, वरना हाँ। ये सब भी चेंज होते तो 20, 22, 23, 24 कहीं नहीं गए भाई। पर ये है कि 15,000 किलोमीटर पे, पंद्रह हजार किलोमीटर पे होती है, बाकी गाड़ियाँ 5-6 पे होती है, ये 15,000 पे होती है, इसका एक एडवांटेज। फ्रंट साइड में आप लुक्स ऐसे देख सकते हो, कुछ काम करवाए सामने? भाई ग्रिल ये चेंज आर लग लाइन रही की ग्रिल है। लगवाई है, ये ऑलमोस्ट पड़ जाएगी आपको 3,000 समथिंग की पड़ जाती है, आफ्टर मार्केट है ये, अच्छा ठीक है। है। बाकी लाइटें लगवाई हैं HID ईगल की, दो दो ओके। लगती हैं इसमें, एक नहीं लगती, एक लोबी में खाई भी में दो लगती हैं इसमें, तो हाँ टोटल इसमें लगती हैं चार, अच्छा तो ये पड़ जाती हैं आपको 8,000 समथिंग की। ठीक इसके है। अलावा ये फॉग लैम्प लगवाए हैं, और इसको मैंने करा दिया थोड़ा सा टेंट, अच्छा ठीक ताकि है। इससे लुक आ जाए, कौन से फॉग लैम्प चाहिए? ये वही ईगल के ही हैं भाई, ये भी 2,500 समथिंग का पेयर आ जाता है, ठीक ये है ज़्यादा महंगा खर्चा नहीं है। ठीक और है। इसकी ये थोड़ी बहुत ये भी चेंज कराई है, छोटा मोटा खर्चा इसमें मतलब क्रोम होता वगैरह रहता है। करवा रहे हाँ, तो। क्रोम व्रोम होता रहता है भाई। अच्छा इस गाड़ी में आपको बेस वेरिएंट में अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, स्टील रिम्स मिलते हैं, बट ऊपर का कवर मिलता है, बट ये कवर हाँ तो अलग सा लग रहा है कुछ। भाई कवर मैंने दिमाग चलाया, मैंने हाँ। कवर को ब्लैक पेंट करवा दिया, क्योंकि हाँ। अगर ये चलती है ना दूर से ऐसा लगता है अलॉय वाली लुक। तो ये सिल्वर था ना वैसे तो? हाँ, हाँ, ये सिल्वर सिल्वर आता आता है। है, मैंने ब्लैक करा दिया, अब इसको मैं हाँ। कराऊंगा गोल्डन, अच्छा इसको गोल्डन हाँ। छत गोल्डन, देखो 14 का मतलब 14 इंच हाँ, का 14 इंची है। का टायर है तो इसका एलॉय व्हील लगाने का नहीं सोचा क्या? भाई सोचेंगे, अभी अभी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, अच्छा। एलॉय क्या सब कुछ चेंज हो जाएगा इसमें, इसका चलो पूरे इंटीरियर पे काम चलेगा अभी धीरे धीरे, तो ठीक वो भी है। भाई को दिखाएंगे। बैक साइड में क्या काम करवाया हुआ है? ये टिंट करा रखा है और ये लगा रखी है, और लगा कैमरा रिवर्स। ये क्या कैमरा मैट्रिक्स वाला है ये? हाँ ये मैट्रिक्स वाला। कितने का पड़ा था ये? ये पड़ जाती है ऑलमोस्ट 3-3.5 तक की पड़ जाती है भाई। और ये रिवर्स इंडिकेटर कैमरा से कनेक्ट, बाहर से या कंपनी से? ये भाई मैंने वो लगवाया था अंडर सीट, उसके साथ मेरे को फ्री मिला था। अच्छा ठीक है। हाँ ब्राजो का अंडर सीट है, जो ब्राजो काफी फेमस कंपनी है, यूके ब्रांड है, तो उसके साथ मेरे को ये मिला था। ठीक है। रिवर्स कैमरा, ये स्पॉइलर लग रहा है लगाया हुआ है? स्पॉइलर ये GT का आफ्टर मार्केट, ये पड़ गया था मेरे को 6200 समथिंग का, 6200 का। और कुछ इसके अलावा? और कुछ भाई इसमें सिरेमिक कोटिंग हो रखी है, और एक बार नैनो कोटिंग भी हो रखी है, जब ली थी उसके 1 साल में सिरेमिक हुई, उसके बाद अल्ट्रा 9H आर्मर कोटिंग करी, जिसको दूसरा नाम नैनो कोटिंग भी कह सकते हैं, तो फर्क वो भी लगता है उससे? कुछ फायदा है आपको लग भाई? रहा है? 3 साल हो गए, आप दूर से जाके देखो आपको चमक लग रही है नहीं लग रही, शाइन तो मेंटेन है। 3 साल में कितनी बार करवानी पड़ती है विजिट वहाँ पे भाई? हर साल कराओ,
एक बार एक साल अगर ये नहीं करा सकते ना, जिसका बजट थोड़ा कम है, तो इसमें रबिंग पॉलिशिंग कराओ हर 6 महीने में, तो चमक जाएगी, चमक जाएगी। 3 साल में देखो लुक है भाई, अभी भी मतलब पेंट की क्वालिटी आपको अलग ही दिख रही होगी, मतलब ये देखो शाइन शाइन है, ये ब्राइटनेस रहती है और मिट्टी भी नहीं टिकती फिर। बाकी बैक साइड की बात करें तो पोलो का लोगो मिल जाता है, फॉक्सवैगन का यहाँ मिल जाता है, 4 रिवर्स सेंसर्स मिल जाते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पर डिक्की खोलने की जगह नहीं मिल रही होगी, तो भाई दिखाओ जरा कैसे खुलती है। ऐसे खुलती है भाई, थोड़े स्टाइलिश तरीके से पूरा लोगो। बूट स्पेस कैसा लगता है भाई? ठीक है, उतना नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब सामान वगैरह आ ही जाएगा, सामान आ जाएगा भाई, अपना काम लायक सामान आ जाएगा। और इसमें एक और डिसएडवांटेज है जो मैं पोलो चलाता हूँ बट फिर भी, पीछे की जो सीटें है ना भाई, उसमें उतना स्पेस नहीं है, मतलब 3 लोग नहीं बैठ पाएंगे उसमें, 3 लोग खुले नहीं बैठ सकते, 2 ही बैठ सकते हैं। ठीक है, चलो अंदर चलेंगे एक बार दिखाएंगे। इसका जो फ्यूल लिड है वो आपको राइट साइड में मिलता है। पेट्रोल पंप पे कभी कंफ्यूजन हुई है इधर साइड को भाई? बहुत कंफ्यूजन होती है, वो उधर पाइप लेके जाता है, मैं कहता हूँ नहीं भाई इसका राइट साइड है, इसका एक वो भी है, गाड़ी अगर लॉक है ना फिर भी ये खुल जाएगा। अच्छा, ये सबसे बड़ी बीटी है, उस पर तो कोई लेकर चला जाएगा पेट्रोल? हाँ, यही तो दिक्कत है भाई। अच्छा, लॉक है? नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ये देखो भाई, लॉक हो गई। ओ भाई भाई, देखो भाई, गाड़ी लॉक है, पेट्रोल ये खुल गया, अब किसी को भी भाई की गाड़ी दिखे या कोई पोलो दिखे, पेट्रोल पाइप डालो, पाइप डालो और चोरी करके ले जाओ। ओ तेरी, या खराब हुआ पड़ा है या पहले दिन से ही ऐसा? नहीं नहीं, ये डिसएडवांटेज है पोलो का, 2019 के बाद ये चीज सॉर्ट करी है, 2019 तक ये सब हर पोलो में ये दिक्कत है। तो भाई कोई चोर देख रहा हो तो भाई चोरी मत करना, फुल टैंक तो रखते ही नहीं होंगे आप फिर उस हिसाब से, भाई आधी टंकी है पता चले, मतलब निकल जाएगा, इतना है कि निकाल लेगा बंदा, निकालने वाला होगा तो निकाल लेगा भाई। चलो आ जाओ अंदर, आ जाओ। चलो भाई, अंदर से गाड़ी को जिस तरह से लगती है, ये सीट कवर वगैरह लगवाए हैं ना आपने भाई? ये बकेट सीट कवर है लेदर वाले, नापा लेदर जो कि कहते हैं, नापा लेदर, और ये आर्मरेस्ट वार्मरेस्ट सब लगवा रखा है भाई। कितने का पड़ा ये पूरा इंटीरियर अभी जो करवाया हुआ है? ये पड़ गया था भाई ये हमें 7,000 का, बाकी मैट पड़ गए थे 5,000 के, और इसके नीचे हो रखी है वाटर प्रूफिंग। अच्छा, ये मैट के नीचे? मैट के नीचे, ये देखो ये रही वाटर प्रूफिंग। अच्छा, वो मैट लेदर वाला मैट लगा रखा है, पानी अंदर नहीं जाएगा भाई, ये पड़ जाता है आपको वाटर प्रूफिंग 7-7.5 के अराउंड पड़ जाती है। बेकार चीज है ये भाई, इसकी वजह से देखो मैट कैसे हो गए, देख रहे हो भाई। और ये क्या लगा रखा है इसके नीचे भाई? ये अंडर सीट सबवूफर ब्राजो का। अच्छा, इसकी भाई को क्वालिटी सुनाएंगे, भाई का दिल खुश हो जाएगा, मतलब ऑडियो में भी काम कर रहा है ऑडियो। भाई मैं सोच रहा था बेस ट्यूब लगवा लूं, बट यार उससे ना डिक्की खत्म हो जाती है, डिक्की बिल्कुल बर्बाद हो जाती है आपकी, तो अंडर सीट लगाओ और मजे पाओ। चलो, क्या और क्या स्पीकर आप बता रहे थे पीछे लगे हुए हैं? एवेटार के स्पीकर लगे हुए हैं आगे, पीछे लगे हुए हैं वॉक्सवैगन के। अच्छा, आगे दो वो लगे और पीछे दो अपने वो है। हाँ, और इसमें हमने ये भी लगा रखा है, ये है डेप्स का, ये पड़ जाता है आई थिंक 8-9 हज़ार रुपए का पड़ जाता है। ये एंड्रॉइड है क्या पूरा? ये पूरा एंड्रॉइड टच है, इसका टच एक नंबर। अरे हाँ यार, स्मूथ है, चला के देखो भाई मजेदार। तो मोबाइल से हॉटस्पॉट दो अपना, यूट्यूब हॉटस्पॉट दो, कुछ भी करो, यूट्यूब देखो, कुछ भी देखो, स्पॉटिफाई वॉटिफाई सब कुछ चलेगा। इसमें है आई थिंक 32 GB की मेमोरी है और 2 GB का इसमें वो है रैम। अच्छा, 2/32। हाँ, वरना 16:1 वाला भी मिलता है। बट यार इसका सही में एक्चुअल में स्मूथ है काफी, टच स्क्रीन मतलब आफ्टर मार्केट दिखते नहीं है इतने स्मूथ वाले, है ना भाई, इसीलिए तो लगवाया है। सही है, सही है, देखभाल के लगवाया, तीसरी बार में ये अच्छा मिला भाई, पहले थोड़ा दिक्कत वाला था। एसी इसमें आपको मैनुअल देखने को मिलते हैं, इस तरह से स्टेयरिंग व्हील मिलेगा, कोई भी कंट्रोल्स नहीं है ना, क्रूज कंट्रोल है गाड़ी कुछ में। नहीं है भाई, कुछ है नहीं है, बट वो लग सकते हैं। हाँ, लग, वो तो आफ्टर मार्केट, तो आप कुछ आफ्टर मार्केट लग सकते हैं, यहाँ पूरा कट जाएगा लग, बट मैंने करवाया नहीं, एक बंदे ने मेरे को वहम डाल दिया ECM में दिक्कत आ जाएगी, मैंने छिड़वाया नहीं, क्योंकि इसका ना दिक्कत हो जाती है, इसकी और स्कोडा में ना भसड़ रहती है। अच्छा, थोड़ी सी आपको पता ही होगा, अगर पार्ट वार्ट छिड़ गया ना भाई, कुछ दिक्कत हो गई तो मोटा ही बिल बनता है, जितने की गाड़ी नहीं उससे ज्यादा का बिल। हाँ, जब तक वारंटी है कम से कम छेड़छाड़ ज्यादा ना ही करो, तो ना ही करो, 4 साल की वारंटी है। यहाँ पर आपको इस तरह का मीटर मिल जाता है, लेफ्ट साइड में RPM मीटर है और राइट साइड में स्पीडोमीटर है, बीच में एक आपको MID मिल जाती है डिजिटल। अच्छा, वैसे लंबी ट्रिप पे लेकर गए हो गाड़ी को कभी? भाई इसको लेकर गए हैं बहुत जगह, ले गए जयपुर, मथुरा, मतलब 500 किलोमीटर तक उदयपुर भी लेके गया हूँ इसको मैं। और इसकी एक सबसे बढ़िया बात है जो मैं आपको बता रहा था भाई, 180 पे भी स्टेबल रहती है ये। अच्छा जी, 180 तक भाग जाएगी और स्टेबल रहेगी, मतलब लगेगा नहीं, बाकी गाड़ियां 150 पे ऐसे ऐसे हिलता है ना स्टीयरिंग, जैसे मारुति का हिलता है। हाँ, इसका नहीं हिलेगा भाई, इसका ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अच्छा जी, अभी भगा के दिखा देंगे भाई को, यहाँ कोई इतनी रोड नहीं है, वरना भाई को भी भगा के, लेकिन भाई कुछ चलाएगा और खुद हमें बताएंगे कि भाई कैसी है ये।
ना, नो डाउट भाई चलाने के मामले में पोलो का कोई जवाब नहीं है, मतलब बहुत तारीफें सुनते हैं हम। हाँ। हालांकि स्पीडोमीटर पे यहाँ पे 240 की टॉप स्पीड है, आपने कितनी भगाई हुई है भाई? 190 तक भगाई थी, 190 बोलो, घर वाले देखेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, बट कोई नहीं, 190 तक भगाई है, बता दिया आज। कहाँ पे भगाई थी ये भाई? मैंने भगाई थी ये मथुरा एक्सप्रेस वे पे। अच्छा, जो ब्रेक व्रेक सही लगती है? ब्रेक भाई मक्खन, जेन्युइन ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं, ABS लगे हुए। इसके बेस मॉडल में भी आपको ABS मिलेगा, जो कि एक बहुत ही, बाकी गाड़ियों में नहीं होता, बट इसमें मिलेगा आपको ABS, क्योंकि एक तरीके से सेफ्टी मेजर है कंपनी के हिसाब से। ठीक है, बाकी मैनुअल गाड़ी है, आपको यहाँ पे 5-speed ट्रांसमिशन मिलता है, इधर आपको हैंड ब्रेक मिल जाएगी, यहाँ पर डैशबोर्ड है। बाकी बेस वेरिएंट में ना आपको पावर विंडो मिल जाती है, आगे की दो पावर विंडो, पीछे हाथ की सेवा मिलेगी आपको। दिखा तो अपने हाथ की सेवा करो। ये देखो भाई, पीछे अभी भी आपको इसमें ये रोल करने वाले मिलेंगे, हाथ से ऊपर नीचे ऊपर, ये भी आप लगवा सकते हो वैसे पावर विंडो, ये लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस की बात कर रहे थे कुछ आप, बैठना जरा भाई, स्पेस ये देखो भाई, ये सीट बहुत पीछे कर रखी है आपने मेरे ख्याल से। भाई सीट पीछे नहीं, सीट बिल्कुल सही कर रखी है, पीछे इसमें है दिक्कत भाई। ओ भाई, ये तो फिर स्पेस की बीटी है भाई, लेग रूम तो है ही नहीं उस हिसाब से, बिल्कुल नहीं है भाई। ये सालो वोक्सवैगन वालों ठीक कर लो, दिक्कत होती है हम लोगों को ये सही में यार। अगर मान लो ड्राइवर कोई ऐसे चला रहा है, पीछे वाला तो कंफर्टेबल बैठ ही नहीं फंस जाएगा भाई, एक ही बंदा बैठा हो, यहाँ आधे पैर यहाँ आधे पैर यहाँ, बीच में दो ही बैठ पाएंगे कंफर्टेबल, भी क्या ही बैठेंगे। सही बात है, ये दिक्कत है भाई पोलो में। बाकी पीछे की तरफ एसी वेंट्स वगैरह तो कुछ है नहीं? कुछ नहीं है भाई, आगे का एसी पीछे करो और एंजॉय करो। है कैसा एसी वैसे गाड़ी का? एसी जबरदस्त है, कूल कर देता है भाई, बैठा था खुद बताओगे भाई कैसा है। हाँ, कूल तो कर रहा था, अभी भी 42-43 डिग्री है, अच्छा कर रहा कर देता है भाई, एक पे भी कूल कर देता है, एक बंदा बैठा हो ना, एक पे चल रहा है अभी भी कूल कर देगा भाई को, दो पे बिठाया था मजा आ जाएगा। अच्छा, वीडियो की स्टार्टिंग में आपने बताया था एक्सीडेंट हुआ था इस गाड़ी का, तो थोड़ा डिटेल में बताओ कब हुआ था, क्या हुआ था। भाई मैं गया था चंडीगढ़ घूमने, तो चंडीगढ़ से आते टाइम करनाल के टोल पे यहाँ एक ट्रक वाले ने मार दिया, इस एरिया पे चल रही थी आपकी गाड़ी, ये मूव मतलब रुकी हुई थी, वो आया यहाँ मार दिया। ओहो, मतलब तुम ट्रक का इम्पैक्ट समझ सकते हो, अच्छा खासा डंपर था वो, ट्रक भी नहीं था डंपर, यहाँ मारा और भाग गया। मैंने उसको पकड़ा, उसने कहा कोई नहीं पानीपत देख लेंगे, तो फिर भाई मतलब अननोन एरिया है, मैंने कहा क्या बसड़ लें। फिर मैंने उसकी फोटो वोटो खींच ली और मैंने इंश्योरेंस कंपनी को भेज दी, तो उन्होंने मेरे को इंश्योरेंस तो मिल गई, बट फिर भी यार अननोन एरिया, आपको भी पता भाई कैसे लोग हैं ट्रक वाले, पूरी गाड़ी उड़ा दे हम पे गाड़ी चढ़ा दे, उनका तो कुछ होना नहीं। बात है तो वही बात, क्या क्या हुआ था, डैमेज क्या हुआ? ये पूरा दब गया था भाई, फेंडर नया बदला है, ये पूरा फेंडर आया ये पूरा, ठीक है, और फेंडर रिप्लेस हुआ, यहाँ से आया ऐसे मारा और ये पूरा, मतलब ये इसका जो ये लोहा है ना मुड़ के ट्रक के, वो जो नहीं होते वो क्या कहते हैं उसको, मडगार्ड कह सकते हैं, उसके अंदर घुसा हुआ था ये। तेरी। मेरे को पूरा लेफ्ट काट के मैंने खींचा, मैंने ये सोचा टायर बचा लेता हूँ, और यहाँ गेट पे भी इम्पैक्ट आया था। तो ये क्या हुआ फिर, वो वीडियो क्लिप में, हाँ गेट भी ये पूरा रिप्लेस हुआ है, ये पूरा आगे की शीट रिप्लेस हुई है गेट की, और फेंडर तो पूरा ही चला गया। टायर वायर पे भी कुछ हुआ था? टायर पे कुछ नहीं हुआ भाई, ठीक है, टायर वायर ये सब चीजें झेल गई। कितने का इंश्योरेंस क्लेम हुआ था और आपको कितने भरने पड़े पैसे? मेरे को वही फाइल चार्ज क्लेम हुआ था, आई थिंक 30,000 समथिंग का, 30-35,000। तो वहाँ से क्या चला के यहाँ तक दिल्ली तक लाए या फिर टो करवाई? चला के दिल्ली, चला के आगे भाई, मतलब इतना दम है, एक्सीडेंट के बाद भी चल रही थी भाई, मतलब अंदर चेसी या इंजन तक कोई फर्क नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा भाई, कुछ भी, सिर्फ फेंडर झेल गया और गेट झेल गया। सेफ्टी में भी आप भाई इसके डोर की वो देखोगे ना, थर्ड बहुत तगड़ी लगती है, मतलब बहुत हार्ड फील होता है कि हाँ क्वालिटी है। ये देखो गेट हार्ड है, पीछे का भी हार्ड है, पीछे तो भाई मैं डैम्पिंग करवाने गया तो डैम्पिंग वाले ने बोला इसमें जगह ही नहीं है, अच्छा डैम्पिंग नहीं हो सकती, तो आगे दो दो सीटें लगी हैं बस, बाकी इसमें और डैम्पिंग होगी, पीछे इसमें एक सीट लग सकती है, इसमें एक दो सीट लग सकती है, बाकी गाड़ियों में 16-17 डैम्पिंग लगती है, इसमें 5 या 6 की ही जगह है। ठीक है, आपको इंजन दिखाते हैं, खोलना बोनट भाई एक बार। इसमें आपको 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 75 BHP एंड 95 Nm का टॉर्क निकालता है, जैसे कि भाई ने बताया चलाने में अच्छी है, तो अंदर चलते हैं फटाफट से, एक ड्राइव दिखा दो कैसी चलो भाई, है ना, थोड़ा पता चल जाएगा, फील हो जाएगी। लेट्स गो ब्रो, गाइस भाई से चलवा रहे हैं, आ जाओ जी आ जाओ, हम भी देखे जाते 75 BHP कैसा फील होता है चलाने में। भाई बेल्ट वेल्ट लगा लो, बेल्ट लगा, ऑलवेज वियर सीट बेल्ट, बिल्कुल जी, चलान से भी बचे। चलो जी देखते हैं, जो इतनी तारीफें होती है पोलो की चलाने के मामले में कैसी है। मैनुअल चला रहे हैं इस वक्त हम भाई, मैनुअल का ही मजा है। हाँ। मैंने GT भी चलाई है अमृतसर में। ओ भाई, ओए होए 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 भाई, क्या पावर फील हो रही है, मतलब ब्रेक मारना भाई। हाँ यार ब्रेक भी बहुत तगड़ी है। ओके ब्रेक बिल ओके, नहीं तगड़ी है ये तो, मतलब ये जो पत्थर है इस पे थोड़ी गाड़ी स्लिप होती है, अगर तुम रोड पे मारोगे ना भाई तुरंत रुकेंगे तुरंत। पर ये है पावर ना, सिडैन वाली फील हो रही है कि हाँ सिडैन चला रहे हो आप, नीचे बहुत है। हाँ
वही चिपक के चल रही है गाड़ी, सही कह रहे थे ये। यहाँ भगाओ थोड़ा, और स्टेयरिंग भी ना इतना लाइट भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है, मतलब परफेक्ट है, परफेक्ट है। और इसका ना ओवल शेप है, ये देख रहे हो भाई, ओवल है, पूरा गोल नहीं है, डी-कट, हां डी-कट, गोल में दिक्कत आती है। सस्पेंशन कैसा है गाड़ी का? अच्छा सस्पेंशन एक नंबर है भाई, गड्ढों-वड्ढों में दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं, बहुत कुदाता हूं भाई इसमें। नहीं यार चलाने में तो फन टू ड्राइव है, मजेदार मजेदार, दबा के भाग रही है गाड़ी, इसलिए पेट्रोल पे ली थी, डीजल भी इससे ज्यादा मुझे पसंद नहीं। पेट्रोल गाड़ी है, पेट्रोल लाइट तक ली, पेट्रोल गाड़ी है, आवाज नहीं होती गाड़ी की, वाइब्रेशन नहीं होती, आवाज नहीं होती, भागती अच्छी है। केबिन नॉइज थोड़ी सी आ रही है रोड की, मतलब केबिन में आवाज आ रही है रोड की, काफी हल्की हल्की, बहुत लिटिल, ठीक है। अगर इसमें मैंने गाने चला दिए ना तो पता भी नहीं चलेगा, गाने चला के तो खैर पता ही नहीं चलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं एक बार कैसी पावर है गाड़ी, थोड़ी खाली रोड है। यस अपना ड्रैग वैग करिए किसी गाड़ी से, वैसे भाई करिए अभी i20 से करिए भाई, वगैरह मजा आ रहा है ब्रो, है भाई है पावर, सही है, जानदार चलाने में है फील, जानदार है, हाँ बढ़िया। अच्छा कितने किलोमीटर चला चुके हो गाड़ी आप भाई? ये चल गई है 30,000 पार चल गई है भाई। और कितनी सर्विस हो गई है आपकी अभी तक? इसकी 3 हो गई है सर्विस, 3 सर्विस करवा चुके, 3 साल में 3, 15,000 में 10,000 पे करवा लेता हूँ, अगली 40-42,000 रुपये करवा लेंगे। और माइलेज क्या दे रही है? माइलेज यार ब्रो, माइलेज अब इसका भाई बैक का बताते हैं भाई को। अच्छा दबा, दबा के एवरेज तो 10-12 की, तो फिर वही है, चलो चलाने की मजे है भाई। हाईवे पे इसने मेरे को 15 भी दिया है, बट सिटी में ये 11-12 से ज्यादा नहीं देगी, एसी चल रहा हो तो नहीं देगी, एसी बंद है तो एक की बढ़ जाएगी मैक्सिमम, और कितना, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल, अब भाई को सुनाएंगे गाने, देखो इसमें भी स्पीड आती है भाई। अरे हाँ टेक्नोलॉजी सही है, ये रियल है, बिल्कुल लाइव चल रही है जितनी उसमें, ये देखो वहाँ कम हुई, यहाँ भी कम हो गई है, यहाँ भी कम हो जाएगी। हाँ। यार चलाने में तो मजे आ गए गाड़ी को, भाई को भी आई होप मजे ही आते होंगे, 3 साल हो गए हैं ना। थैंक यू सो मच भाई ओनरशिप के लिए अपने, अरे शुक्रिया भाई। एक और गाड़ी है उसका भी भाई से बनवाएंगे बहुत जल्द, ठीक है जी, ठीक है। जितना हो सके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और यार एक और बात, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। 46 डिग्री में दोनों भाई मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल भाई तो डेली बनाता है, मैं तो चलो कम बनाता हूँ, देखो कोई कम बनाए ज्यादा, मेहनत सब कर रहे हैं, मेहनत सब किया। सब्सक्राइब करो भाई के चैनल को, क्या नाम है चैनल? SRV Vlogs, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं भाई आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।